ट्रैफिक है ये सर, आप लोग देख रहे हैं अभी स्नो फॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और मेरे मुंह पे कुछ नहीं गिर रही। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और इसी के साथ हम अपने आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। लेट्स मैं तो बता रहा हूं, पंजाबी दे विच कि बर्फ बहुत गिर रही है, अल्लाह ताला दीयां रहमतां हो रही हैं। या असली बिल्कुल इस टाइम की जगह ये बिल्कुल भालू बन गए हम सब यहाँ पे। और वो देखें, वो बाप बेटी कहाँ, वो देखें किनारे पे। अब मैं भी चलती हूँ उनके पीछे पीछे, वो देखें मुझे। वो इतनी नीचे पहाड़ी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। और ये देखिए आबशार का पानी है गाइस। जी तो गाइस देखे कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। और ये जो बर्फ है ना, ये हमने अल्लाह मियाँ से जबरदस्ती मांगी है, दुआएं कर करके कि अल्लाह मियाँ प्लीज हम जाएं तो लाइट बर्फ मिल जाए हमें देखने को। आबशार की तरह आबशार ये आ रहा है ऊपर से, ये देखे, ये देखे अल्लाह क्या सीन है, क्या नजारा है। अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, वो देखें सारे मेरे पीछे खड़े हुए गाइस, हेलो हाय करें। वो देखें ये सारे हमने कठपुतले नहीं, इंसान नहीं जाने जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, और बर्फ हमारे ऊपर पड़ रही है। ये मैं पीछे हूँ और ये है पीछे। पापा जी कैसा लग रहा है यहाँ पे, तुसी कभी सोचा सी कि तुसी इन्नी बर्फ वाले इलाके जाओगे, तुसी ना हल्की ये ठंडी हवा दे विच लर्जी हो जांदी सीगी। देखो तुसी अल्लाह ताला दे काम। हां जी तुसी सोचिया नहीं सी कभी भी, ना सर्दी ना कुछ भी है, कुछ नहीं फील होंदे आ मैं दसंदे जी। तो व्यूअर्स ये देखें, हमने कभी नहीं सोचा था हम पापा के साथ इन जगहों पे इन मकामात पे आएंगे, कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। एक बंदा कहता ना ख्वाब देखा, हमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम इन जगहों पे आइए देखें, हर जगह बर्फ है। तो सबसे दिल खुश हो गया एक बार तो यहाँ पे आके। अब आगे का तो गाइस अब देखें इनका हाल, ये वो लोग हैं जो बर्फ को देख के बेकाबू हो जाते हैं, इनका हाल चेक करें, देखें देखें निकलने लगे हैं, थोड़ा सा और व्यूज चेक कर लेते हैं क्योंकि हम तो वो कहते ना तो जैसे पहली पहली बार कोई चीज़ देखी होती है वो सब हमारा है। हमने ना ये थोड़ी सी मतलब कि इतनी सी बर्फ देख कर खुश हो गए, आगे क्या आगे भी देख ले। जी तो व्यूअर्स अब आपने बताना है कि आपको मजा आया कि नहीं। देखिए हम लोगों ने इतना रिस्क लिया, किसके लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि हमारे बहन भाई मीन्स के जो हमारी ऑडियंस है उनको कुछ और भी देखने को मिले, ठीक है, और भी इंजॉय कर सकें। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं के आगे, 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 आगे। और अभी जाने लग गए हैं वो सभी नीचे, हमें तो आवाज दे रहे कि आज पुत्र नीचे दासी दादी आ रहे असके असी अन्य थोड़ी ब्रेक तो। गाइस हमारा पहलवान जा रहा है नीचे और वो आधी वहां पहुंच चुकी है नीचे, अब्बा हजूर मेरे खड़े हैं वहां पे और मैं यहां पे स्टिक का सहारा लेकर आ रहे हैं और पापा मुझे कब से आवाज दे रहे हैं बच्चे जी पीछे आ जाओ आ जाओ। और ये देखो नन्नी मुन्नी, नन्नी मुन्नी सी काकी। नो आई नो डोंट नो, ओके 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 कूल कूल बच्चे कूल कूल, मेरी प्यारी सी तस्वीर बनानी है, प्यारी सी छोनी मुनी सी, ठीक है। अब ये बनाने लगी है स्नोमैन, स्नो वूमैन ही कैसे बनता है मैं करूंगी, बस इसने वैसे बर्फ खरी खरी करी जानी है, स्नोमैन ये बना रहे हैं। ये तो ऐसे जैसे टेडी बियर होता है। अभी आगे आप देखना मैं क्या करती हूँ। गाइस आपने देखते जा रहे हैं कर क्या रहे हैं दोनों बाप बेटी। हम गरीब हैं तो क्या है, वो अमीर हो तो होंगे, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के। वाह 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 ग्रेट डैडी जी तुसी ग्रेट हो गए तुसी गाइस, आज इस कुड़ी ने कमली हो जाना ये स्नोमैन बना अपना कमली हो गई है, वैसे यार स्नोमैन तेरा अच्छा बन गया, ये बस कर नहीं किन्ना कि मोटा नु करना गरीब नु आप इतना यार इन ठोक कुड़ी कमली हो गई अज। व्यूअर्स ये देखें आप लोग, ये है आबशार, आबशार का पानी, हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से आगे जाना रिस्की ही है। तो यहाँ से दिखाते हैं, ये देखें आबशार का पानी चल रहा है माशाल्लाह,
कितना प्यारा व्यू है, क्या नजारा है यार। जितनी बंदा तारीफ करे ना उतनी ही कम है। ये ना सब गाइस देखे ना, गर्मियों के सीन है, लोग यहाँ पे आते हैं ज्यादातर इंजॉय करने गर्मियों में, और देखें हम लोग आए हुए सर्दियों में, ना यहाँ पे कोई बंदा है ना बंदे के साथ है सिवाय हमारे। स्पेशल हमारा पूछने आए कि ये लोग गेम हुए थे कब से और अभी तक नहीं आए। देखें कितने यहाँ की पुलिस कितनी अच्छी है माशाल्लाह। ये देख मैं आपको फेस दिखा देती हूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। और एकदम सारे बोले केपी का पुलिस सच में ऐसे ऐसी पुलिस होनी चाहिए। बस हमें देख के फिर वापस आ रही है। चलो कोई बात नहीं, देखें नाइस लड़की कुछ फिर रुकेंगे हमारे पास। सर हमें देके गए हैं और जिन्होंने हमें मिठाई खिलाई है, जिंदाबाद जिंदाबाद सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुलिस जी गाइस अब हम लोग चेक करने हैं लगे हैं मिठाई जो वो हमें देके गए हैं। मेरी मेरे ग्लासेस सुनी मुझसे संभाल होते जे दे पीछे दुनिया छड़ी ओ मूला के छल्ला मेरा जी ढोला कोई गेट मकाना दे छड़ जाना नहीं कम इंसाना दे ओ जी वाह। जी तो व्यूअर्स अभी हम लोग करने लगे हैं इंजॉय खुदा वाला हाफिज, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी और आगे रस्तों में खतरा भी हो सकता है, इसलिए हमने सोचा है कि टाइम से अपना घर जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने हमारे साथ ऐसे इंजॉय किया होगा क्योंकि हमने सब कुछ आपको इंटरटेन करने के लिए किया। लोग रुके हुए हैं यहाँ पर क्योंकि जब हम लोग जाने लगे थे हमें पुलिस वालों ने कहा था कि जब आप लोगों ने जाना है तो आप लोगों ने एक वीडियो हमारे साथ बना के जानी है लाजमी। शायद उन्होंने पहचान लिया कि भाई ये नए यूट्यूबर्स हैं, भाई इनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसके आगे जानने हम सर आए पीर माल टोपा टैक्सी से, जिला टोपा टैक्सी से, फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान में जिला। कैसा लगा ये एरिया? तो हमें बहुत अच्छा लगा ही लगा है, लेकिन सच में पहले भी मैं कलाम विजिट कर चुका हूँ, वहाँ पर केपी की पुलिस बहुत अच्छी थी और यहाँ पर तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। जब हम यहाँ पंजाब यहाँ का बहुत माशाल्लाह, इसीलिए ये इलाका भी तरक्की में है और अल्लाह करीम की रहमतें भी इसीलिए इधर हैं क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं और जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनके दिल तो रब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो इंसानियत की बहुत कदर करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बालाकोट की तरफ। हम लोग पहुंचे थे अभी, हम लोग जा रहे थे वापस के हमारे शीशे के ऊपर बर्फ जो थी वो ब्लॉक हो गई थी और अभी ड्राइवर अंकल यहाँ से उतरे हैं और उन्होंने पानी के साथ ही सारी बर्फ साफ कर रहे हैं। शीशा बिल्कुल अंधा हो चुका था। अभी रात हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय हमारे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस हम लोग पहुँच नहीं पाए।